रो पड़ा दिल्ली का बॉस, छोटी सी बच्ची ने जीत लिया केजरीवाल का दिल। बीते दो दिनों से इंटरनेट मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल है। ये वीडियो बिहार के जमुई इलाके में स्कूल जाती एक छात्रा का है। वैसे तो लाखों की संख्या में लड़कियां रोजाना स्कूल जाती है, मगर जमुई की सीमा के स्कूल जाने का अंदाज एकदम अलग था। दरअसल इस 10 साल की बच्ची का एक पैर नहीं था, उसके बावजूद वो अपने कंधे पर बैग टांग कर स्कूल जाती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट होने के बाद हर एक्टिव सदस्य ने इस वीडियो को देखा और अपनी संवेदना व्यक्त की। कुछ ने उसकी मदद करने के लिए उसका पता जानना चाहा, तो कुछ ने सोनू सूद से उसकी भी मदद कराने की गुहार लगाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बच्ची का वीडियो देखा। उसके बाद अब उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 10 साल की सीमा के जज्बे ने मुझे भावुक कर दिया। देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा चाहता है। मैं राजनीति नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि हर सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है। सीमा जैसे हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना ही हर सच्चे देशभक्त का मिशन होगा। यही सच्ची देशभक्ति है। अब हम आपको सीमा, उसके परिवार और उसके इस हालात में पहुंचने के बारे में विस्तार से बताते हैं। सीमा जमुई के खैरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाके फतेहपुर गांव में रहती है। उसके पिता का नाम किरण मांझी है। सीमा की उम्र इस समय 10 साल है। 2 साल पहले एक हादसे में उसे एक पैर गंवाना पड़ा था। वैसे उस हादसे में उसका एक पैर तो छीन लिया, मगर उसका हौसला बरकरार। सच कहा जाए तो आज सीमा अपने जमुई गांव में लड़कियों के लिए एक बड़ी मिसाल है। वह अपने एक पैर से चलकर स्कूल पहुंचती है, वहां बाकी लड़कियों के साथ बैठकर पढ़ती भी है।